Assalamu alaikum. I am your teacher from Bluebell School System. Today in this lecture, I am going to teach you Social Studies of Grade 5. Chapter number 3, Weather and Climate, page number 21. Today we are going to discuss the topic is natural disasters. Natural disasters ऐसे events हैं जो nature की forces की वजह से खुद रोनुमा होते हैं और इंसान इनको control नहीं कर सकता. जब natural disasters occur होते हैं तो अर्थ पे बहुत से एरियाज़ और प्लेसेस को डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. बहुत से नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं लाइक फ्लड्स, टोर्नेडोज, हरिकेन्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, ड्रॉट एंड फैमिन ईटीसी. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स कौन कौन से हैं और इनकी कॉजेज़ क्या हैं. फर्स्ट वन इज़ फ्लड्स यानी सैलाब. जब सी में या रिवर में बहुत ज़्यादा वाटर ऐड हो जाए कि वो उसकी बाउंड्री से राइज होकर बाहर आ जाए तो इस कंडीशन को हम फ्लड कहते हैं. फ्लड की बहुत सी कॉजेज हैं लाइक हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से रिवर्स का फिल हो जाना या ग्लेशियर्स का पिघल जाना. ग्लेशियर्स मतलब जो माउंटेन्स के ऊपर स्नो होती है वो टेम्परेचर की वजह से जब मेल्ट हो जाती है तो वो मेल्ट होकर वाटर में ऐड हो जाती है, वहाँ के रिवर्स फिल हो जाते हैं तो वहाँ भी फ्लड आ सकता है और सुनामी भी इसकी वजह बनते हैं. सेकंड वन इज़ लैंडस्लाइड्स. लैंडस्लाइड सोइल के मूव होने की वजह से होती हैं. लैंडस्लाइड की वजह सोइल का मूव होना है. अगर हम किसी हिल पे या स्टीप पे खड़े हों तो वहाँ की जो सोइल है वो अप से डाउन मूव करती है. सो इसी वजह से लैंडस्लाइड होती है. लाइक बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकती है कि सोइल जो है वो अप से डाउन मूव कर जाए और इससे भी बहुत से एरियाज डैमेज हो जाते हैं. थर्ड वन इज़ अर्थक्वेक एंड सुनामीज. अर्थक्वेक मीन्स जल्जले. जब अर्थ की सरफेस मूव करती है तो अर्थक्वेक आते हैं. अर्थक्वेक की वजह से बहुत से एरियाज डैमेज हो जाते हैं. अर्थक्वेक कैसे आते हैं? अर्थ की जो सरफेस है वो बहुत सी प्लेट्स से मिलके बनी है. जब ये प्लेट्स मूव करती है फ्रॉम डाउन टू अप, अप टू डाउन, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आते हैं. सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है बहुत बड़ी वेव्स का बनना. जब सी में ग्राउंड लेवल पर अर्थक्वेक आते हैं तो सी में जितना भी वाटर होता है वो राइज हो जाता है. वाटर के राइज होने की वजह से बहुत बड़ी वेव्स बनती हैं और उन वेव्स से सी में और ओशन में फ्लड आ जाता है. सो सुनामी फ्लड की वजह से बहुत से एरियाज को डिस्ट्रॉय कर देता है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस. Thank you for watching.